हेलो गाइस, सो कैसे हो आप लोग। एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एंड ओ माय गॉड, वो क्या है मेरे सामने, इतने बड़े बड़े स्कैरी टावर। ओ माय गॉड यार, मैं तो इनके अंदर जाने वाला हूँ। भाई साहब, ये किसके टावर हैं? ये तो वाइट घोस्ट है एंड एक ओबंगा है। रुको, मैं अपने भाई को बुलाता हूँ। ओए ओए बे, हेलो, बाहर निकल नूब के बच्चे। अबे नूब, बाहर निकल, इधर आ फटाफट। ये तेरे को एक चीज दिखाता हूँ, ये देख सामने, देख वो क्या है। अबे बाहर तो आ भाई, तू बाहर ही नहीं आ रहा है। वो देख सामने, ऊपर कौन है? माय गॉड, तू जानता है क्या इसको? ये पता है कौन है? स्कैरी वाइट घोस्ट एंड स्कैरी ओबुंगा। हेलो ब्रो, कैसा है तू? वो देख सामने, ऊपर कौन है? ओ भाई, ये क्या है? एंड ये तो वाइट घोस्ट एंड ओबुंगा है ना, इनका स्टैचू यहाँ पे क्या कर रहा है? मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया ब्रो, लेकिन जब ये यहाँ पे आ ही चुका है तो क्यों ना इसको एक्सप्लोर किया जाए। हाँ भाई, तो चलो इसके ऊपर चल के देखते हैं एंड देखेंगे कि इसमें आखिर है क्या। हाँ यार, मुझे लगता है ये ऊपर जाने के बाद इसके अंदर एक से बहुत ही खतरनाक ओबुंगा निकलेगा एंड वो हमें जान से मार देगा। लेकिन ब्रो चल फटाफट ऊपर चलते हैं एंड देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है। भाई ये इतना ज्यादा लंबा है कि मैं ऊपर चढ़ते चढ़ते एकदम थक चुका हूँ, लेकिन फाइनली ऊपर पहुंच गए। ओके, हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर एक डोर है एंड इसके अंदर तो बहुत ही बड़ा घर है ब्रो, लेकिन मैंने पहले ऐसा घर कभी नहीं देखा। वाओ, एंड यहाँ पे देख, यहाँ पे कुछ भाई क्राफ्ट यहाँ को डालना पड़ेगा। ओके, तो हम लोगों ने वहाँ एक डायमंड डाल दिया है। मेरे को लगता है ये कोई रेस्टोरेंट है ना ब्रो। लेकिन भाई रेस्टोरेंट, वेट, ये नूब ट्रैप क्यों हो गया? अबे हाँ यार, ये नूब ट्रैप कैसे हो गया? अबे लेकिन ये कहाँ चला गया? ये देख भाई, इसे क्या हो रहा है? भाई मुझे लग रहा है ये किसी की साजिश। ओ भाई, यहाँ पर तो ओबुंगा आ चुका है हमें मारने के लिए। गाइस, यहाँ पर ओबुंगा आ चुका है। ये क्या, ये बंद कैसे हो गया डोर? ओ माय गॉड, ये देखो कितना बड़ा ओबुंगा है ये। ये हमको मारने के लिए आ चुका है। जल्दी भाग ब्रो, जल्दी भाग। अरे भाई मैं कहाँ भागूं, मुझे तो इस घर की जगह भी नहीं पता है कि कहाँ से कहाँ जाना है। एंड तो मुझे कहाँ पे ले गया यार फंसाने के लिए? अरे यार, मैं तेरे को नहीं लेके आया यहाँ पे, मैं खुद यहाँ पे आके फंस चुका हूँ। इसको बंद करो फटाफट ताकि वो यहाँ पे ना पाए। ओ माय गॉड ब्रो, हम दोनों के दोनों यहाँ फंस चुके हैं एंड हमें कुछ करना पड़ेगा। वो यहाँ पे आ चुका है, वो यहाँ पे आ चुका है। ओ माय गॉड, भागो यहाँ से। ओ शिट, उसने हमें देख नहीं पाया अभी। लेकिन ओके ब्रो, उसने हमको देख नहीं पाया, वो चला गया यहाँ से लगता है। ओके सो गाइस, आप लोग देख सकते हो कि हम लोग ओबुंगा के अंदर हाँ फंसे हुए हैं, लेकिन ये नूब कहाँ से गिर रहा है? नूब उसके बम से गिर रहा है नीचे। ओ माय गॉड, भाई नूब तो बहुत ही गंदा इंसान है, उसके बम से नीचे गिर रहा है। छी 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 छी, भाई ये तो बहुत ही गंदा निकला, मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन ब्रो नूब तो निकल गया, लेकिन हम दोनों कैसे निकलेंगे यहाँ से? ये क्या है? अरे वाओ, यहाँ तो एक सीक्रेट बेसमेंट है एंड हम लोग शायद यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। हाँ भाई, हम लोगों को नीचे जाने का रास्ता मिल चुका है, अब यहाँ से हम लोग फाइनली बाहर जा सकते हैं, बस ओबुंगा ना मिले हम लोगों को। हाँ यार, ओबुंगा ना मिले, लेकिन इसके अंदर क्या है ब्रो? यहाँ तो काफी सारा खाने का सामान एंड एक चाबी मिल चुकी है मेरे को एंड एक लीवर एंड डायमंड। मेरे को यहाँ पर काफी सारा सामान मिल चुका है ब्रो, जो कि हमारे बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। लेकिन फिलहाल तो हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। ये क्या है? यहाँ तो सीक्रेट बेसमेंट है भाई एंड यहाँ पे सीक्रेट डोर भी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे बहुत सारे TNT लगे हुए हैं। हाँ लेकिन इनका काम क्या है? हम इसको ब्लास्ट कर दें तो ठीक रहेगा, शायद यहाँ पे ओमुंगा वो भी मर जाए, तो चलो इसको ब्लास्ट करते हैं। हाँ तो सही कह रहा है ब्रो, हमें शायद इसको ब्लास्ट करना पड़ेगा। सो गाइस, हम लोग इस सीक्रेट बेसमेंट के रूम को ब्लास्ट करने वाले हैं। भाग ब्रो, ये होने वाला है ब्लास्ट, जल्दी भागो। ओके तो वो हो चुका है, जल्दी निकलते हैं यहाँ से ब्रो, इससे पहले कि ओबुंगा आ जाए। ओ वो आ चुका है, जल्दी भागो यहाँ से, जल्दी ओबुंगा आ रहा है, लेट्स गो। सो दोस्तों, हम दोनों ऊपर से नीचे कूद चुके हैं क्योंकि वो हमारे पीछे पड़ा है एंड ओबुंगा हो चुका है ब्लास्ट। हाँ ये मैं कहाँ पर हूँ दोस्तों,
अरे मैं तो ऊपर से गिर गया था, लेकिन ये मैं कहाँ आ चुका हूँ? ये मेरा सारा का सारा सामान फैला हुआ पड़ा है। एंड ब्रो तू अभी वो भी जगह नहीं है, जल्दी उठ जा ब्रो। तेरी मतलब तबीयत ठीक है ना? हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। एंड हम लोगों ने ओबोंगा का काम तमाम कर दिया है, तो अब हम लोग जाने वाले हैं व्हाइट घोस्ट के अंदर। हाँ दोस्तों, हम लोग जाने वाले हैं व्हाइट घोस्ट के अंदर, जो कि एक बहुत ही खतरनाक सफेद भूत होता है। इसके बारे में गाइस आप लोगों को तो पता होगा ना, अगर आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हो तो आप लोगों को पता होगा। एंड यहाँ पे एक लामा पीछे पड़ चुका है नूब के। नूब यार तू क्या करता रहता है, क्या तू पागल है क्या? नूब भाई उससे मत भिड़ यार। अरे ये नूप एकदम पागल हो चुका है भाई, ये तो एकदम गंदा है, तो लामा उसको साफ कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। चलो ये बात ठीक है, वो इतना गंदा है कि ओबोंगा के बम से आया था तो लामा ने उसे साफ कर दिया, ये बहुत ही अच्छी बात है। एनीवे ब्रो टाइम आ चुका है स्कैरी व्हाइट घोस्ट के अंदर जाने का, जो कि हमारे सामने बहुत ही ज्यादा बड़ा है, जो कि खड़ा हुआ है। एंड इसके ऊपर जाने के लिए हमें काफी टाइम भी लगने वाला है यहाँ, लेकिन यहाँ पर तो ऑटोमेटिक लैडर बन रही है भाई, और इसके अंदर इसके ऊपर जाने के लिए इंतजाम हो रहा है। सो टाइम आ चुका है जाने का, मुझे बहुत डर लग रहा है, बट जो भी होगा देख लेंगे हम लोग एंड उससे फाइट करेंगे। भाई मैं तो उससे अभी भी कह रहा हूँ कि हम लोग दोबारा नीचे चले जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्कैरी होता है व्हाइट घोस्ट। अरे कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो इसके अंदर तो जाना ही पड़ेगा। एंड यहाँ पर एक पोर्टल है दोस्तों, चलो इसके अंदर चलते हैं। ओके तो हम लोग आ चुके हैं व्हाइट घोस्ट की दुनिया के अंदर, एंड ये उसी का वर्ल्ड है एंड उसी का सीड है, एंड इसी वर्ल्ड के अंदर वो व्हाइट घोस्ट रहता है, लेकिन वो कहाँ पर है मुझे ये नहीं पता है। हम लोग अभी आ चुके हैं दोस्तों सीक्रेट, आई थिंक ये कोई पुलिस स्टेशन है जहाँ पे हम लोग स्पॉन हुए हैं। एंड लिटरली यहाँ पे काफी सारा खून क्यों पड़ा है? ओ माय गॉड, ये रहा व्हाइट घोस्ट, ये रहा व्हाइट घोस्ट दोस्तों, ये देखो सामने खड़ा है मरे ब्रो, अब क्या करें? हाँ ये तो सामने ही खड़ा है। एंड लामा यहाँ पे क्या कर रहा है? व्हाइट घोस्ट और लामा की फाइट चल रही है वहाँ पे तो। हाँ शायद उन दोनों की फाइट चल रही है, लेकिन फाइट चल रही है तो उससे पहले हमें कुछ करना पड़ेगा। अंदर ब्रो एक गन है एंड वो गन मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे व्हाइट घोस्ट को मारना है। एंड अभी वो लोग फाइट कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा मौका है। चलो ऊपर चलते हैं ब्रो, एंड शायद ऊपर से कोई रास्ता होगा यहाँ पे भागने का, ये रहा सीक्रेट रास्ता। चलो एंड गाइस मैं यहाँ पे अंदर आ चुका हूँ, ये रही गन, मैंने ये गन ले लिए दोस्तों, और अब इस गन से व्हाइट घोस्ट को मार सकता हूँ। हाँ तो चलो उसको मारने के लिए चलते हैं। एंड वो सामने उसने लामा को मार दिया है। ओ नो, उसने लामा को मार दिया और अब मैं इसको मार दूंगा। ओए व्हाइट घोस्ट के बच्चे तू भाग कहाँ रहा है? रुक जा, अबे कहाँ भाग रहा है नूबड़े? रुक जा भाई, तू भाग नहीं सकता, तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा, तू अपने आप को समझता क्या है? ओ नो मेरी तो एमओ खत्म हो गई भाई, मेरी बंदूक की गोलियां खत्म हो चुकी हैं, जल्दी भागो यहाँ से। हाँ भागो, क्योंकि अब हम पे कोई भी वेपन नहीं है, ये हम तीनों को मार देगा। अब ये तो ऊपर ही आ गया, हम लोग क्या करें अब? अरे करना क्या है, हमें सिर्फ भागना है दोस्तों, जल्दी भागो यहाँ से दोस्तों, वो हमारे पीछे आ रहा है स्कैरी व्हाइट घोस्ट। ओ नो, लेकिन हम लोग कहाँ जा रहे हैं दोस्तों? वो देखो ऊपर से हमारे पीछे आ रहा है, जल्दी जहाँ भागना है वहाँ भागो, लेकिन जल्दी भागो दोस्तों, हम लोग ये कहाँ जा रहे हैं ब्रो? चल इस वाली केप के अंदर चलते हैं, वो इसके अंदर नहीं आ पाएगा, तो चलो इसके एकदम अंदर चलते हैं केव में, ताकि वो हमें पकड़ ही ना पाए। चलो यार ये रहा पोर्टल। अबे यार सोने पे सुहागा हो गया, हमें तो यहाँ पे पोर्टल मिल चुका है, लेट्स गो ब्रदर लेट्स गो। ओके तो हम लोग आ चुके हैं फाइनली वहीं पे जहाँ से हम लोग गए थे, क्योंकि हम लोगों ने व्हाइट घोस्ट को एस्केप कर लिया है ब्रो, एंड इसको एस्केप करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। एंड नीचे एक बहुत ही बड़ा पानी का पॉन्ड है, हमें उसके अंदर कूदना पड़ेगा, लेट्स गो। ओके हम लोग वापस आ चुके हैं दोस्तों अपने वर्ल्ड के अंदर, और अब कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन ये मौसम अचानक से काला कैसे हो गया? यहाँ पे कुछ होने वाला है क्या? ओ माय गॉड, यहाँ पर तो वो व्हाइट घोस्ट दोबारा आ चुका है। अबे भाई अबे नहीं, ओ नो उसने मेरे दोस्त को मार दिया है, एंड मेरे को छोड़ दे प्लीज प्लीज नो।
ओ माय गॉड गाइस, ये देखो मेरे सामने क्या है। मैं तो इसको देख के पागल ही हो गया, एंड मेरे दोस्त भी। हमारे सामने बहुत ही खतरनाक सीक्रेट टनल्स हैं। एंड गाइस देखो यहाँ पे स्कैरी थॉमस, स्कैरी ट्रेन, एंड गाइस चूचू चार्ल्स, बहुत सारी सीक्रेट टनल्स हैं। एंड आज हम लोग इनके अंदर जाने वाले हैं, एंड फिर हम लोग देखते हैं इनके अंदर जाने के बाद क्या होता है, क्योंकि मैंने सुना है इनके अंदर जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती हैं। ओ माय गॉड, मेरे को तो अभी से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। मैं करूं तो क्या करूं दोस्तों, मैं करूं तो क्या करूं। एंड शायद सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं, शायद सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं स्कैरी थॉमस के अंदर, जो कि एकदम भाई एकदम डेंजरस है। सो लेट्स गो, चलो चलते हैं स्कैरी थॉमस के अंदर। एंड मेरे साथ नूब और एलेक्स दोनों जा रहे हैं, एंड वो लोग चले गए, और अब बारी है मेरी स्कैरी थॉमस के अंदर जाने की। सो लेट्स गो। लेकिन गाइस यहां पर स्कैरी थॉमस तो है, यहाँ पे स्कैरी थॉमस यहाँ पे आराम से घूम रही है। हेलो स्कैरी थॉमस, तुम कैसी हो? लेकिन तुम स्कैरी थॉमस लग तो नहीं रही हो, ना तो मेरे ऊपर अटैक कर रही हो। लेकिन वहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया फ्लावर है, वहाँ पे गाइस एक फूल है, एंड वो फूल मेरे को चाहिए। लेकिन ये ओ शिट यार, ये क्या हो रहा है? चलो चलते हैं फटाफट से। अभी ये थॉमस जाने नहीं दे रही मेरे को भाई, अबे जाने दे प्लीज। ओ वाओ, कितना सुंदर यहाँ पे फूल है। लेकिन ये पेड़ किसका है यार? अभी ये क्या हो गया? यहाँ पे आते ही ये थॉमस मर गई, एंड ये हीरोबाइन फूल लेके भाग रहा है। अबे हीरोबाइन मेरा, मेरे को दे यार। गाइस अबे हीरोबाइन फूल लेके भाग गया, और हम लोग दोबारा वहीं पे आ चुके हैं। एंड रुक जा, कहाँ भाग रहा है? गाइस ये तो जा रहा है एक इसका नाम सुपर कार है। हाँ गाइस, हीरोबाइन चला गया सुपर स्कैरी कार के अंदर। So, हम लोग जाने वाले हैं सुपर स्कैरी कार के अंदर, लेट्स गो दोस्तों। हीरो बन गया, एलेक्स गई, एंड नूब भी जा रहा है। सो बारी है मेरी। सो चलो फटाफट निकलते हैं सुपर कार स्कैरी की ओर। सो लेट्स गो दोस्तों, फटाफट रखते हैं कार्ट को, एंड चलो। हेलो, हम लोग आ चुके हैं सुपर स्कैरी कार के अंदर। एंड लिटरली यहाँ पे काफी अजीब और गरीब मेरे साथ। हाँ अबे विलेजर के बच्चे, क्या हो गया तेरे को? अबे तू चाहता क्या? अबे भाई क्या बोल रहा है तू? यहाँ पे जाऊँ मैं? चल ठीक है, मैं यहाँ पे आ तो गया हूँ, लेकिन यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी सुपर कार रखी हुई हैं। कितनी सुंदर कार है, मेरे को फ्री में दे भाई। भाई मेरे को फ्री में दे दे, मेरे पास पैसे नहीं है। प्लीज़ 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 कुछ कर भाई, कुछ कर, कुछ कर विलेजर, मेरे को दे दे यार एक। यार तू बहुत ही खड़ूस आदमी है यार। ओके, सो मैंने खरीद लिए गाइस, दो खरीद लिए मैंने, एंड हम सब ने बहुत सारी कार खरीद ली हैं। चलो बढ़ते हैं आगे, एंड देखते हैं क्या। अबे यहाँ तो लावा का पूल है, लावा का पूल। चलो इसको इसके अंदर फेंकते हैं। हम लोगों ने सारी कारें लावा के पूल के अंदर फेंक दी हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पे कुछ भी हुआ नहीं है। पता नहीं यहाँ पे क्या होने वाला है। एंड यहाँ पे एक और रास्ता है दोस्तों, एंड ये रास्ता कहाँ पे गया? अबे भाई ये क्या फैक्ट्री है क्या भाई? अबे ओ शिट, यहाँ पर सुपर स्कैरी कार है। ओ नो, अरे भागो दोस्तों, वरना ये हमें मार देगी। जल्दी भागो दोस्तों, जल्दी फटाफट भागो यहाँ से, वरना ये हमें अटैक कर देगी। नू भाई यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ, बाहर निकलने का। ओके शायद हम लोग बाहर निकलने वाले हैं, बट कार हमारे पीछे आ रही है, इसको मारो। ओ वाओ, सो दोस्तों मैंने इस कार को मार दिया है। चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं फटाफट, लेट्स गो। चलो बाहर निकलते हैं यहाँ से, एंड ये रहा पोर्टल, एंड लेट्स गो, चलो निकलते हैं, लेट्स गो। ओके दोस्तों, हम लोग दोबारा वहीं पे आ चुके हैं जहाँ से हम लोग गए थे, एंड हम लोगों ने स्कैरी थॉमस और स्कैरी कार कंप्लीट कर ली है, और अब बारी है दोस्तों स्कैरी ट्रेन की। और मैं आपको बता दूं कि स्कैरी ट्रेन तो और भी ज़्यादा खतरनाक है, इन दोनों से कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। सो हम लोग अब इसके अंदर जाने वाले हैं। वैसे मैं आज से पहले कभी नहीं गया हूँ इसके अंदर, मैंने सुना है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। सो लेट्स गो, चलो इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं इसके अंदर जाने के बाद क्या होता है। सो लेट्स गो। ओके हम लोग आ चुके हैं स्कैरी ट्रेन के अंदर, एंड ये रही हमारे सामने ट्रेन, जो कि आपके सामने खड़ी हुई है। एंड हमारे सामने एक बहुत ही बड़ी मुसीबत है।
ओ शिट, यहाँ पार्कर है, मेरे को ये करना पड़ेगा वरना वो ट्रेन हमें पकड़ लेगी और जान से मार देगी, क्योंकि वो ट्रेन हमारे पीछे आ रही है। वो बहुत ही बड़ी ट्रेन है, उसका साइज बहुत ही बड़ा है एंड वो हमें कच्चा चबा सकती है। जल्दी ओ नो, मेरा दोस्त तो नीचे गिर के मर गया। दोस्तों यार ये सच में ये बहुत ही खतरनाक जगह है, मेरे को सारा काम आराम से करना पड़ेगा। ये तो मेरे पास ही आ गई, वाओ मैंने ट्रेन को मार दिया फाइनली दोस्तों। नू भाई चलो फटाफट पोर्टल के अंदर। ओके तो दोबारा हम लोग वहीं पे आ चुके हैं, हम लोगों ने 3 लेवल कंप्लीट कर लिए और अब बारी है दोस्तों स्कैरी बस की। सो वैसे हम लोग स्कैरी बस के अंदर कभी नहीं गए हैं, लेकिन आज हम लोग जाने वाले हैं स्कैरी बस के अंदर एंड ये स्कैरी बस बहुत ही ज्यादा क्रीपी है। सो नूब चलो फटाफट तैयारी करते हैं स्कैरी बस के अंदर जाने की, क्योंकि इससे पहले कि वो बस खुद हमारे पास आ जाए हमें उसके पास जाना पड़ेगा। एंड गाइस अभी तो एक बाकी है चूचू चार्ल्स, लेकिन फिलहाल हम लोग जा रहे हैं स्कैरी बस के अंदर। सो पहले इसको ट्राई करते हैं, उसके बाद हम लोग चूचू चार्ल्स को ट्राई करेंगे। लेट्स गो, हम लोग आ चुके हैं गाइस स्कैरी बस के अंदर एंड ये रही हमारे सामने स्कैरी बस। लेकिन गाइस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये स्कैरी बस नहीं है, क्योंकि ये उतनी ज़्यादा स्कैरी नहीं लग रही है। लेकिन ये ऊपर क्या है भाई, ऊपर बहुत सारे डायमंड के ब्लॉक हैं एंड ये ब्लॉक मेरे को चाहिए प्लीज़। मैं जाऊँगा पहले, नूब नहीं पहले मैं जाऊँगा। अबे नूब यार पहले मैं जाता, तू क्यों चला गया पहले भाई मेरे को। अबे चीटर कहीं के भाई, तू बहुत तेज भाई मत जा प्लीज़, मेरे को लग रहा है कोई ट्रैप है। गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कोई ट्रैप है, लेकिन नू तो भागते हुए जा रहा है। ओ भाई उसने सारे के सारे डायमंड ले भी लिए। ओ नो यार मेरे को दे देना प्लीज। ओ वाओ नू बहुत ही बढ़िया ब्रो, तू तो यार बहुत ही अमीर हो गया। एक सेकंड स्कैरी बस जिंदा हो चुकी है एंड वो अपने डायमंड वापस ले रही है। अब क्या करें दोस्तों हम लोग क्या करें। ओ नो ओ नो 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 भागो यहाँ से। ओके दोस्तों हम लोग दोबारा वापस आ चुके हैं एंड अब बारी है गाइस वन एंड ओनली चूचू चार्ल्स की, जिसको तो आप जानते होंगे सबसे ज्यादा खतरनाक होती है ये। सो इसके अंदर हम लोग जाने वाले हैं, लेकिन